नगर पालिका परिषद सूरजपुर के सभी 18 वार्डों में 6 एवं 7 जगह शिविर लगाकर विधायक ने वार्डवासियों को एपीएल राशन कार्ड का वितरण किया। इस दौरान करीब 1344 से 1600 एपीएल राशन कार्ड का वितरण किया गया। सूरजपुर विधायक ने बताया कि एक व्यक्ति को प्रति किलो चावल 10 रुपए की दर से दिया जाएगा। अगर एक घर में एक व्यक्ति है तो 20 किलो चावल दिया जाएगा। अगर एक घर में अधिक से अधिक व्यक्ति है तो 35 किलो चावल दिया जाएगा। यह कार्य माननीय कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चुनाव के पहले बनाए गए घोषणा पत्र में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्ति को चावल मिलेगा। एपीएल राशन कार्ड का वितरण किया जाना है, जिसमें शिविर लगाकर विधायक जी के द्वारा राशन कार्ड का वितरण होना है। लगभग 1344 राशन कार्ड का वितरण होना है। आइए हमारे बगल में अभी यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थलेश्वर साहू जी, हम इनसे बात करते हैं। लगभग कितने राशन कार्डों का वितरण होना है? लगभग 1500 राशन कार्डों का वितरण टोटल है, और उसमें आज हम लोग 6-7 कैंप लगाकर नगर पालिका के माध्यम से पूरे अलग अलग कैंपों में माननीय हमारे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय खेल साय जी भी आज अपना समय दिए हैं, और हम लोग मिलकर सभी वार्डों में राशन कार्ड का आज वितरण कर रहे हैं। लगभग कितने शिविर लगाए गए हैं? आज कुल मिलाकर 6 शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 3-3 वार्डों का, कहीं 3 वार्ड कहीं 4 वार्ड मिला के, जो जहाँ पे सूटेबल व्यवस्था जो बना है उसके हिसाब से हम लोग 6 शिविर लगाकर आज राशन कार्ड का एपीएल राशन कार्ड वितरण होने के बाद किन दरों पे चावल प्राप्त करेंगे? देखिए, एपीएल राशन कार्ड का पूरी जनता को मांग था कि एपीएल राशन कार्ड हमारा बने, क्योंकि गरीबी रेखा वालों को ही चावल मिलता था, और गरीबी रेखा से जो ऊपर रहते थे उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मैं शासन का धन्यवाद भी देता हूँ कि इस योजना पे लागू करके हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उन्होंने चावल देने का किया है, और एक वार्ड में एक यूनिट में 10 किलो चावल और 10 रुपये किलो के हिसाब से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। इसमें सूरजपुर में राशन कार्ड वितरण, एपीएल राशन कार्ड वितरण, जैसे कि आप देख रहे, इन्होंने बताया 10 रुपये किलो चावल मिलेगा। क्या ये भूपेश बघेल जी के आने के बाद हुआ है या फिर उससे पहले भी ये था? पहले ये योजना नहीं थी, बहुत पहले एक बार 5-7 साल पहले एक बार एपीएल का राशन कार्ड पहले बने थे और पहले मिल रहे थे, लेकिन बीच में 5-6 सालों से बंद हो गए थे, और फिर से भूपेश बघेल जी ने इसको फिर से इस योजना को लागू किया है। जी, भूपेश बघेल जी ने इस योजना को लागू किया है। मैं आकाश जसवंत सूरजपुर, फास्ट 24 न्यूज़, खबरें जराट। परिसर सूरजपुर के सभी 18 वार्डों में शिविर लगाकर एपीएल कार्ड का वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के विधायक महोदय खेल साय जी, आइए इन समझ से बात करते हैं। कितने जगह राशन कार्डों का वितरण किया जा रहा है? नगर पालिका सूरजपुर के अंतर्गत 18 वार्ड हैं जी, जिसमें करीब करीब 6 जगह ऐसे बना करके, 3-3 वार्ड, करीब 4 वार्ड, 2 वार्ड बना करके आज एपीएल राशन कार्ड बांटने का कार्यक्रम नगर पालिका सूरजपुर के अंदर बनाया गया है, जिसके तारतम्य में मैं आज उपस्थित हूँ। और एपीएल कार्डधारियों को बांटा भी गया, और यह छत्तीसगढ़ शासन का महत्वपूर्ण योजना है। पहले एपीएल कार्ड नहीं बांटा जाता था, केवल बीपीएल कार्ड ही बांटा जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों ने घोषणा, जो महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी के बनाए गए घोषणा पत्र में दिया गया था, यदि हमारी सरकार बनती है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक को राशन कार्ड मिलेगा। पहले केवल बीपीएल वालों को मिलता था, लेकिन इस बार एपीएल कार्डधारी रहेंगे, जो नौकरी में हैं या कि जो बड़े बड़े किसान हैं या बड़े व्यापारी लोग कुछ भी हैं, उनको भी राशन कार्ड दिया जाएगा। इसी तरह में हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज लगभग शिविर लगाकर कितने जगह राशन कार्डों का वितरण किया जाना है? और 2 जगह तो ऐसे हो गए, हम लोग अभी तक 5 जगह बांट चुके हैं। पूरे जगह लगभग कितने राशन कार्डों का वितरण किया जाना है? अब यहाँ पर करीब पूरे नगर पालिका के अंदर 1400 राशन कार्ड एपीएल के हैं, तो पूरे बांटे जा रहे हैं। राशन कार्ड वितरण होने के बाद किन दरों पे, किन मूल्य पे चावल
मिलेंगे ग्रामीणों को? एपीएल कार्डधारियों को प्रति किलो 10 रुपए के हिसाब से चावल मिलेगा, और एक कार्ड में अगर एक व्यक्ति तो 10 किलो, और दो व्यक्ति है तो 20 किलो, और इससे जितना भी ऊपर हो केवल अधिक से अधिक 35 किलो चावल ही एपीएल कार्ड के धारियों को मिलेगा। 1400 से 1600 राशन कार्डों का वितरण होना है आज। जैसा कि हमारे साथ बात की है खेल साजी यहाँ के विधायक महोदय, मैं आकाश जसवंत, फास्ट इंडिया 24 न्यूज़, सूरजपुर।